I'm Kabir from Alliance of Indian Wastepickers. It's a national network of wastepickers organization. Mera naam Kabir hai. Main Alliance of Indian Wastepickers mein coordinator ka kaam karta hoon. Aur aapke samaksh ye karyakram jo hum dekhne ja rahe hain, ye hamare dwara aayojit kiya gaya hai. Hamare kuch saathi, hamari karyashala chal rahi thi pichle do din ke liye. इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में, जिसमें कचरा कामगार, कचरा बेचक, जिस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वेस्ट पिकर्स, उन सब की गेट टुगेदर थी. अभी रिसेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो अभी निकल कर आए हैं 2016 में, तो उन पर हम बातचीत कर रहे थे और उसके साथ साथ हमने प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और बाकी चीज़ों पर भी बातचीत की थी. हमारे जो साथी हैं वो चाह रहे थे कि क्यों ना हम अपनी बात जो दिल्ली शहर के वालों, दिल्ली शहर वालों के साथ रखें. तो इस कार्यक्रम का आयोजन उसी सोच को ले गया था. तो दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में चलेगा और जहाँ जहाँ तर्जुमे ट्रांसलेशन की आवश्यकता होगी वहाँ पे वो किया जाएगा. हमारे कुछ साथी जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाएगा, हिंदी या और अंग्रेजी. तो तस्वीरें खींच रहे हैं, हम थोड़ा परिचय करवा देते हैं हमारे साथ कहाँ कहाँ से आए हैं और क्या क्या करते हैं. हसनूर भी हमारे साथ देवना डंपिंग ग्राउंड में काम करती हैं. स्त्री मुक्ति संगठन वहाँ की एक संस्था है, उसकी मेम्बर हैं. और जलगांव से बैकग्राउंड उनका जलगांव से, वो मुंबई शिफ्ट हुई, उसके बाद वेस्ट पिकिंग का काम करती हैं. वो मराठी में बात करेंगी और वो अमूमन 100 से 150 किलो जो कचरा है वो रिसाइकलिंग के लिए भेजती हैं हर रोज़. फिर हमारे साथी हैं गौतम. गौतम अमरावती से हैं, अमरावती विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से. 19 वर्ष उनकी उम्र है और वो स्ट्रीट से कचरा उठाते हैं, सड़कों से कचरा उठाते हैं. और वो तेलुगु में बात करेंगे हमारे साथ, जो जिसका अनुवाद हमारे साथ ही दलित बहुजन रिसोर्स सेंटर से हैं अनिल, जो उसका ट्रांसलेशन करेंगे. फिर हमारे साथी हैं रेखा. रेखा चिंतन के साथ काम करती हैं, नेपालपुर में रहती हैं और वहाँ से जो है वेस्ट सॉर्टिंग के लिए, रिसाइकिलिंग के लिए भेजती हैं 200 से 300 किलो के करीब. हमारे साथ ही गीता बाई हैं, जो इंदौर मध्य प्रदेश से आई हैं, जो जन विकास के साथ काम करती हैं और वो पिछले 25 साल से इस काम में जुड़ी हुई हैं और वो भी 100 से 150 करीब जो किलो कचरा है वो रिसाइकिलिंग के लिए भेजती हैं. आई रिक्वेस्ट एंड देन वी हैव मृदुला. मृदुला हमारी साथी हैं पिछले कुछ सालों से. वो दीपाले लाइब्रेरी है हमारे दिल्ली में, वहाँ पे लाइब्रेरियन का भी काम करती हैं और साथ में लेखक भी हैं. उन्होंने एक नॉवल लिखा था, बाईसाइकिल जीनियस, और इस नॉवल को हमें लगा था कि ये हमारी कहानी है. तो उस कहानी का जो उस दास्तान को बयान करने का एक बड़ा लुभावने तरीके से उन्होंने बयान किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी नॉवल पे चर्चा भी की जाए और इसी नॉवल को जो हमारी हमारे हर रोज़ की सच्चाइयाँ हमारे कचरा कामगारों, कचरा बेचकों की, उसके साथ जोड़ा जाए. तो हमने उनको भी न्योता दिया तो उन्होंने बहुत खुशी से स्वीकार किया. हमारे पास ज्योति मापसेकर हैं. ज्योति मापसेकर स्त्री मुक्ति संगठन की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और उनके जो माता पिता थे दोनों वामपंथी थे. और इसके बाद अभी हमारे साथ जो अभी जो रिसेंटली वेमेंस अचीवर अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो ज्योति मापसेकर से मिला था. और उनका नाटक है मुर्गी भालू को, जो कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है. सो आई विल स्टार्ट विद अ कोट फ्रॉम जेम्स बॉल्डवन, हु इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स. एंड ही सेड समथिंग फैसिनेटिंग, वी हैव टू बी, व्हिच आई विल गो अहेड विद, वी हैव गॉट टू बी एज क्लियर हेडेड एज पॉसिबल अबाउट ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी आर स्टिल ईच अदर्स ओनली होप. हमें इंसानों के बारे में एक बात साफ दिमाग से जान लेनी चाहिए कि हम एक दूसरे की इकलौती आशा हैं. तो इस इकलौती आशा पे ही हम इस इकलौती आशा की बात पर ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. मैं जो ज्योति ताई को दे देता हूँ और जो नॉवल का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो मैं. अलायंस ऑफ इंडियन वेस्ट स्पीकर की ओर से आप सबका यहाँ स्वागत है. 1 और 2 जून को हमारी ये राष्ट्रीय जो कार्यशाला हुई थी जो कूड़ा उठाते हैं उनके साथ, और ये कार्यशाला में सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ये हमारा सेलिब्रेशन था, क्योंकि पिछले 16 साल और उससे भी ज़्यादा हम लोग झगड़ा कर रहे हैं सरकार से. बड़ा संघर्ष चल रहा था कि कूड़ा उठाने वाले जो लोग हैं उनको सरकार के नियमों में कोई भी रिकग्निशन नहीं था,
उनकी डेफिनेशन भी नहीं थी वो क्या काम करते हैं, क्या वो समाज के लिए उपयोगी काम करते हैं या निरुपयोगी काम करते हैं, इसका भी कोई सरकार ने जिक्र नहीं किया था। और चार सालों से आप सबको पता होगा कि जो कूड़ा उठाने के लिए जो नियम है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली जिसे कहते हैं वो 2000 साल में आई थी हमारे शहरों के लिए, और 16 साल के बाद ही अभी स्वच्छ भारत मिशन चालू, इसलिए इसका नाम सुन रहे हैं तो कूड़ा उठाने वालों का तो कोई जिक्र नहीं था, लेकिन स्वच्छता का भी कोई असर अभियान का हमारे यहाँ नहीं था। अभी चार साल से ये जो पुराने रूल्स है वो चेंज करने की बात चल रही थी, और उसमें भी हम हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो डिस्कशन हो रहा था वो सब हम सरकार की तरफ भेज रहे थे। अभी जो नए नियम आए हैं वो अभी आए हैं, यानी सिर्फ एक महीना हो गया है या दो महीने हो गए, 5 अप्रैल 2016 में ये नियम आए हैं। और ये सेलिब्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि पहली बार कचरा उठाने वाले लोगों का जिक्र इसमें किया गया है, उनका रिकग्निशन तो किया गया ही है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, ये पहली बार इस रूल्स में लिखा गया है। और हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये तो हमने 10 मांगे की थी और उसमें से 7 मांगे पूरी हुई है। अच्छा, हमारे देश में कानून तो बहुत है मांगे की, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन यानी झगड़ा बहुत लंबा है हमारा, लेकिन उसकी शुरुआत की है अभी हमने। और ऐसा लगता है कि अभी म्यूनसिपैलिटी के पास जाने के लिए हमारे हाथ में कुछ रहेगा, नहीं तो म्यूनसिपैलिटी भी कूड़ा उठाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ बहुत तुच्छता से देखती है।